हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर पोस्ट इन्फो एंड फन। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, और फिनेकल से रिलेटेड वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो है वो होने वाली है PPF विड्रॉवल के ऊपर। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि PPF को लोन कैसे ले सकते हैं, कब एलिजिबिलिटी होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर उस वीडियो का लिंक आ रहा होगा, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके PPF लोन वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं PPF विड्रॉवल। PPF विड्रॉवल आपका तब शुरू होता है जब आपका लोन लेने का टाइम ख़त्म हो जाता है। इसके बारे में भी आपको जगह जगह पे दो स्टेटमेंट देखने को मिलेंगी। एक में लिखा होगा कि PPF का विड्रॉवल जो है वो स्टार्ट होगा 7th फाइनेंशियल ईयर से, या फिर दूसरी जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि PPF का विड्रॉवल वो स्टार्ट होगा जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने अपना अकाउंट ओपन किया है उस फाइनेंशियल ईयर को छोड़ के, और उससे नेक्स्ट कंप्लीट फाइव फाइनेंशियल ईयर्स के एंड के बाद शुरू हो जाएगा। यानी कि अकाउंट ओपनिंग फाइनेंशियल ईयर को छोड़ के उससे नेक्स्ट कंप्लीट 5 फाइनेंशियल ईयर छोड़ने हैं, उससे जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा उससे आपका विड्रॉवल शुरू हो जाएगा। यानी कि वो विड्रॉवल जो होगा वो 7th फाइनेंशियल ईयर से ही शुरू होगा, क्योंकि उन 5 के बाद जो नेक्स्ट जो आएगा वो 7th फाइनेंशियल ईयर ही होगा आपका। तो बात कर लेते हैं कितनी अमाउंट आपको मिलती है विड्रॉवल के टाइम पे। तो विड्रॉवल की लिमिट जो है वो लिमिट है जिस फाइनेंशियल ईयर में आप लोग PPF के विड्रॉवल के लिए आते हैं, तो उस फाइनेंशियल ईयर से लेके पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर आपको पीछे जाना है, यानी कि बैक डेट में जाना है। और जो उस फाइनेंशियल ईयर से पिछला 4th फाइनेंशियल ईयर होगा, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो आपका बैलेंस होगा उस बैलेंस का 50% जो है आपको अलाउड होगा PPF का विड्रॉवल अमाउंट। यानी कि वो अमाउंट होगी जो उसका 50% आपको PPF का विड्रॉवल मिल जाएगा। आइए एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपका अकाउंट है PPF का, वो ओपन हुआ है अक्टूबर 2018 में। तो उसके फाइनेंशियल ईयर आपके होंगे एक तो 18, 19, 20, 21, 22, 23 ऐसे। तो आपका जो 7th फाइनेंशियल ईयर होगा वो होगा आपका 2024 से 2025। तो ये 7th फाइनेंशियल ईयर से आपका PPF का विड्रॉल शुरू हो जाता है, और 7th फाइनेंशियल ईयर आपका शुरू होगा 1st अप्रैल 2024 से। और दूसरे स्टेटमेंट के हिसाब से समझें तो फर्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर था जिसमें आपका अकाउंट ओपन हुआ है 18-19, उसको छोड़ के कंप्लीट 5 फाइनेंशियल ईयर छोड़ने हैं। तो उससे आगे के 5 फाइनेंशियल ईयर 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24। उसके बाद जो 5 छोड़ने के बाद फाइनेंशियल ईयर आता है वो आता है 2024-25, यानी कि वही 2024 1st अप्रैल से आपका शुरू हो जाता है। अमाउंट की बात भी कर लेते हैं कितना अमाउंट मिलेगा। जैसे कि आप लोग पता है कि 2024 1st अप्रैल से विड्रॉल शुरू हो जाएगा, तो कोई कस्टमर आता है 1-8-2024 को, तो जो 1-8-2024 को कस्टमर आया तो उस फाइनेंशियल ईयर से पीछे 4 फाइनेंशियल ईयर में जाना है। तो 4 फाइनेंशियल ईयर आपके 23-24 रहेगा, 1-22-23, 1-21-22 और 1-20-21। तो 4th फाइनेंशियल ईयर जो होगा आपका बैक डेट में वो रहेगा आपका 2020 से 2021। तो जो 2020-21 है उसका एंड कब होगा, 31 मार्च 2021 को। तो 31 मार्च 2021 को जो आपकी पासबुक में बैलेंस होगा PPF में, उसका 50% जो अमाउंट होगी वो अमाउंट सेंक्शन हो जाएगी PPF के विड्रॉल के लिए। या फिर एक और स्टेटमेंट है, जैसे जिस फाइनेंशियल ईयर में विड्रॉल के लिए आएंगे उस फाइनेंशियल ईयर से पिछला जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसके एंड में जो बैलेंस होगा उस बैलेंस का भी 50% अलाउड होता है। तो इस वाले बैलेंस का प्रोसीडिंग जो 4th फाइनेंशियल ईयर होगा, और जो इससे नेक्स्ट वाला 1st जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसके में जो भी उसका बैलेंस कम से कम होगा वो कंसिडर करेंगे। ये सीनेरियो आपको जब देखने को मिलेगा जब आप लगातार कस्टमर 4-5 विड्रॉल ले लेगा, तो उसके टाइम पे वो इस सीनेरियो उसको देखने को मिलेगा कि उसका जो पिछले फाइनेंशियल ईयर का बैलेंस जो होगा वो कम होगा, और जो 4th फाइनेंशियल ईयर पे बैक डेट वाला जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें उसका बैलेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि उसने विड्रॉल उस टाइम पे लेना शुरू कर दिया था। PPF विड्रॉल के बारे में कुछ और फैक्ट्स हैं वो भी देख लेते हैं। विड्रॉल कैन बी टेकन वंस इन ए फाइनेंशियल ईयर बट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। मतलब क्या है कि विड्रॉल जो होगा फाइनेंशियल ईयर में एक ही विड्रॉल आपको मिलेगा, लेकिन हर फाइनेंशियल ईयर में आप ले सकते हैं एक एक विड्रॉल।
इफ़ लोन एंड लोन इंटरेस्ट इज पेंडिंग देन फर्स्ट द लोन विद इंटरेस्ट इज टू बी पेड। अगर आपने लोन ले रखा है और लोन और उसका इंटरेस्ट दोनों पेंडिंग है तो आपको पहले लोन इंटरेस्ट के साथ में पे करना होगा, उसके बाद विड्रॉवल आपको अलाउड होगा। जो PPF के माइनर अकाउंट्स होते हैं ऑपरेटेड बाय गार्डियन वो भी अलाउड होते हैं, वो भी विड्रॉवल ले सकते हैं। एक्सटेंशन की बात कर लेते हैं, एक्सटेंशन ऑफ अकाउंट्स, आपका अकाउंट एक्सटेंशन जो है वो मैच्योरिटी के बाद विद इन 1 ईयर आप लोग एक्सटेंड करा सकते हैं, वो भी 5-5 साल के ब्लॉक पीरियड में। जैसे ही 5 साल का ब्लॉक पीरियड ख़त्म होता है उसके बाद फिर से आप 5 साल के ब्लॉक में ऐसे ही जितनी बार चाहें उतनी बार के लिए एक्सटेंड करा सकते हैं। अकाउंट जो एक्सटेंड कराओगे आप वो विद डिपॉजिट्स या फिर विदाउट डिपॉजिट, दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आप विद डिपॉजिट्स का ऑप्शन लेते हैं और 1 साल तक कोई भी डिपॉजिट उसमें नहीं करते हैं तो आपका जो अकाउंट होगा वो विदाउट डिपॉजिट कंसीडर किया जाएगा। अगर बाय मिस्टेक उसमें कोई डिपॉजिट गलती से हो गया होगा तो उसको रिफंड किया जाएगा और उस डिपॉजिट को इरेगुलर डिपॉजिट ट्रीट किया जाएगा। जब आपने अकाउंट एक्सटेंड करा दिया है तो एक्सटेंडेड पीरियड में भी आप विड्रॉवल ले सकते हैं। तो एक्सटेंडेड पीरियड में जो आप विड्रॉवल लेंगे वो विड्रॉवल की जो अमाउंट होगी उसकी एक लिमिट, जब आपने अपना अकाउंट एक्सटेंड किया है उस टाइम पे जो आपका बैलेंस था उस बैलेंस का 60% उस कंप्लीट 5 ईयर के ब्लॉक तक मिलेगा आपको। यानी कि वो जो अमाउंट है उसका 60% वो जो 5 साल का आपने एक्सटेंड कराया है उसके टाइम पे आपको सिर्फ वो 60% ही अमाउंट मिलेगा। वो 60% जो अमाउंट है वो आप एक बार में लमसम भी ले सकते हैं, नहीं तो हर फाइनेंशियल ईयर में आके 5 बार हर फाइनेंशियल ईयर में आके विड्रॉल ले सकते हैं। एक बार अगर अकाउंट एक्सटेंड हो गया उसके बाद रिक्वेस्ट जो है वो वापस नहीं ली जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों PPF विड्रॉल के बारे में आपकी सारी क्वेरीज दूर हो गई होंगी। आई होप आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि PPF से विड्रॉल हम लोग फिनेकल में कैसे ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।